स्वागत है हकीम साहब। धन्यवाद। हकीम साहब, अगर हम बात करें किडनी को लेके, किडनी प्रॉब्लम्स आज के समय में बहुत देखी जा रही है, यहाँ तक कि नौबत आ जाती है डायलिसिस की। तो किडनी में जब हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, डायलिसिस से क्या हम बच सकते हैं घरेलू नुस्खे अपना के, यूनानी से जुड़ के? हाँ, देखिए, इस वक्त वाकई ये एक चैलेंज बन गया है जी। किडनी के रोग इतनी खामोशी से होते हैं, हालांकि कोई भी जो रोग है वो अपने होने से पहले कुछ इशारा करता है। पेशाब में तकलीफ होना, जलन होना, ये किडनी के रोग में से है। और देखिए, जितना भी हम ऐसा पॉइजनिक या केमिकल्स या दवाओं के रूप में खाएं या किसी और रूप में, तो वो हमारी किडनी को ही सहन करना पड़ता है या हमारे लीवर को सहन करना पड़ता है। और किडनी से साफ करती है और लीवर उसको साफ करता है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम 15 दिन से ज़्यादा कोई भी दवा लेते हैं, ऐसी जो केमिकल्स हैं, एलोपैथ है, तो फिर हमारी किडनी और लीवर दोनों इम्प्रेस होते ही होते हैं। अक्सर हम जिस रोग की दवा ले रहे हैं, वो रोग ठीक हो गया या नहीं हो गया वो तो बात की बात है, लेकिन फिर हमें किडनी के लिए का इलाज ज़रूर करना चाहिए। इसके बाद जो लोग भी 15 दिन से ज़्यादा एलोपैथिक इलाज करते हैं, और मैंने अक्सर लोगों से कहा कि जिन लोगों की ज़िंदगी और सांस दवाओं पर निर्भर है, उनको ज़रूर अपनी किडनी का और लीवर का ख्याल रखना चाहिए। और अक्सर मैं एक दवा भी बताता हूँ, हालांकि कभी मैं दवा बताने पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देता, कि जिन लोगों की ज़िंदगी दवा के बगैर नहीं हो जी सकते, वो उन्हें चाहिए कि एक या दो बार कैप्सूल पी केयर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। तो देखिए दर्शकों, आप लोग यही बात तो नहीं समझ पाते हैं कि आपके लिए कौन सा इलाज बेहतर है। अगर 15 दिन तक आप लोगों को रिलीफ नहीं मिल पाता है जिन दवाइयों का पहले सेवन कर रहे होते हैं, यानी कि गर्म दवाइयों का, तो आपसे कहना चाहूँगी यूनानी के साथ जुड़िए, आयुर्वेद से जुड़िए। दर्शकों, आप लोग घरेलू नुस्खे अपनाइए, आप लोग खुद ये कहेंगे कि हाँ, मुझे कितना ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है। लेकिन नुस्खे आपको ही जानने होंगे। सभी दर्शकों से अनुरोध, निवेदन करना चाहूँगी, जो भी कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हैं, हकीम साहब से लाइव बात करते हैं, टीवी का वॉल्यूम कम करके हमसे बात कीजिएगा। कारणवश हमें आपकी कॉल कट करनी पड़ जाती है, बहुत मुश्किल से आप लोगों की कॉल लग पाती है, तो इस बात का विशेषकर आप लोग ध्यान रखिएगा। इसी के साथ अब कुछ कॉलर्स जुड़ गए हैं, बात कर लेते हैं। हमारे साथ आर्यन है मुंबई से, स्वागत है आर्यन आपका। जी नमस्कार, हकीम साहब से बात करनी थी। नमस्कार जी, हकीम साहब नमस्कार। आदाब आर्यन साहब जी, मैंने अपने फादर के लिए दवाई मंगाई थी, पूरे लॉकडाउन उन्होंने इलाज कराया, उससे बहुत रिलीफ हुआ है उनको। अच्छा, किस लिए मंगाई थी? ये प्रॉब्लम थी उनको, खांसी जुकाम, नजला और गले में और कफ की शिकायत थी सारी। अच्छा, कौन सी दवा ली थी आपको? लगभग ठीक हो गए वो, माजुन आर केयर आपने बताया था। जी जी जी, और कोई सवाल है आपका? अपने बारे में एक और सवाल था जी, मेरे को एसिडिटी की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मैं बाहर का कुछ भी खाता हूँ तो मैं 2-3 दिन तक है ना रात का खाना नहीं खा पाता हूँ, क्योंकि अगर मैं खाना खाता हूँ तो फिर मैं लेट नहीं पाऊंगा, मुझे बैक होती है। ठीक है, आपकी एज कितनी है? 26। अच्छा बेटा, देखो, बहुत ही अच्छा किया कि आपने फीडबैक दिया, हमें बड़ा हौसला मिलता है। और मैं कहता हूँ कि माजून आर केयर एक ऐसी इम्यूनिटी की दवा है जो खांसी, नज़ला, बलगम, छीके और इम्यूनिटी की कमी को पूरा कर देती है, लेकिन इसे 4-5 महीने खाते हैं। तो आपने पूरी टाइम भी खिलाया और आपके पिताजी ठीक हो गए, मेरी तरफ से उन्हें मुबारकबाद और मेरा सलाम कहिए। और आप भी इसी तरह ठीक हो सकते हैं, लेकिन आप भी थोड़ा सा लंबा इलाज करना। कुछ लोग ना 1 महीने ठीक हो जाते हैं और छोड़ देते हैं, फिर वो रोग आ सकता है, फिर उसमें हमारी बड़ी बदनामी है। तो देखिए, बहुत आसान नुस्खा है, आप ले लीजिए, सौंफ, आंवला, मेथी, 200-200 ग्राम खरीद लें, घर में पाउडर बनाएं, सौंफ, आंवला, मेथी, और 100 ग्राम आप ले लीजिए, ये आता है जैतून का नमक, ये देखने में नमक होता है लेकिन जायके में नमकीन नहीं होता, ये रसायन होता है जैतून का,
इसको 100 ग्राम इसमें मिलाकर पाउडर बनाएं और आधा आधा ग्राम आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाएं। आप देखें कि आपको पहले ही दिन से फ़ायदा शुरू हुआ और ऐसा लगेगा कि आप एक हफ्ते में पूरे अच्छे हो गए, लेकिन आप इसे पूरा ख़त्म करके ही चैन लें ताकि दोबारा से ये रोग वापस ना आ सके। जी, नेक्स्ट कॉलर हैं गोरखपुर से विमला देवी, स्वागत है विमला जी। हाँ हेलो। हेलो बोलिए। हाँ जी, ऐसा है ना, मेरे ना किडनी की प्रॉब्लम है, कमर में पीठ में सब ताम देती है, दवाई ले रही हूँ लेकिन पता नहीं क्यों असर नहीं कर रही है क्या। जी, मासूम की गली में भी है और ये किडनी में भी है दाएं तरफ। किडनी में पथरी है? हाँ, अलग अलग। हाँ, ऐसा है ना। आपने टीवी का वॉल्यूम इतना तेज कर रखा है कि हम सिर्फ यही समझ पाए हैं कि किडनी में आपके पथरी है। जी, यदि किडनी के पथरी का भी आसान इलाज है, और जिनको पथरी होती बार बार होती, किडनी की पथरी के लिए जैतून का नमक लें आधा ग्राम। जैतून का नमक एक रसायन है जो नमकीन नहीं होता, और एक गिलास पानी मिला लें और उसमें एक नींबू भी डालें और ये पानी पी लें, और पीछे से दो गिलास पानी और पिएं साथ में। ऐसा आप दिन में दो बार कर सकते हैं। आप ये लगातार करेंगे तो आपकी पथरी को जाकर ये तोड़ देता है, और पानी और पेशाब का फोर्स जब आता है तो उसको निकाल भी देता है। आप ये लगातार लीजिए। आपकी और इससे अलावा जो बात थी वो मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, उसका जवाब नहीं दे पाऊँगा। देखिए दर्शकों, इसलिए कार्यक्रम की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा था कि आपसे अनुरोध है, निवेदन है, टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों के सवाल अधूरे रह जाते हैं, फिर नुस्खे आप लोगों को अच्छे से नहीं बताए जा सकते हैं। तो एक बार फिर से कहना चाहूंगी, जो भी कॉलर्स यहाँ पे जुड़ते हैं, टीवी का वॉल्यूम कम करके बात कीजिए, कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए। बात करते हैं अगले कॉलर से, मनोज हैं बिजनौर से हमारे साथ, स्वागत है मनोज जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब। जी आदाब आदाब, बताइए क्या सवाल है। हाँ डॉक्टर साहब, अभी अभी मैंने आपको दूसरे चैनल पर सुना, आपने पैर में मेरे कमर की रीढ़ की हड्डी बढ़ी हुई है, उसे टांगों में दर्द है, वो तो सुन लिया मैंने दवाई उसकी, लेकिन डॉक्टर साहब एक और बात बता दी, इसकी एक्सरसाइज कौन सा करें, और मैं आपके नियमित से रोता हूँ, बहुत फायदा उठाती हूँ मैं। ठीक है, देखिए इसमें एक्सरसाइज ना करें, और अगर कुछ करें भी तो मैं बताता हूँ, एक जो लोगों के बताने पर मत गौर करें, ये जो औरतें दुपट्टा पहनती है ना, इसे ऐसे थोड़ा सा लपेट के और जहाँ पर आपके तकलीफ है वहाँ कमर के नीचे रख के सीधी लेट जाइए, बस ये एक्सरसाइज हो सकती है। वो जितना बर्दाश्त हो आपको, थोड़ी देर बाद अगर दुखने लगे तो छोड़ दीजिए। और नुस्खा तो आपको पता ही है कि या तो कैप्सूल टी केयर लीजिए सुबह शाम, या गौंसिया अगर असली मिल जाए, असली मिलना ज़रूरी है, तो सुबह शाम लें तो आपको बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। और आप समझदार हैं, मैं समझता हूँ कि आपके घर में वेस्टर्न टॉयलेट ज़रूर होगा, अगर नहीं है तो वो लगवा लें और आपको ठीक होना मुमकिन है। जी, राजस्थान से नेक्स्ट कॉलर सपना, स्वागत है सपना जी। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। मैम मेरी मदर इन लॉ को घुटनों में मतलब जॉइंट पेन है, उनको गठिया बाई की दिक्कत है काफी टाइम से। तो वो क्या है, काफी चीज एक्सरसाइज वगैरह करी पर वो डे बाय डे इंक्रीज होती जा रही है। एज क्या है उनकी? एज 60। देखिए बड़ा अच्छा किया आपने अपनी सास के लिए फोन किया, ये रिश्ते बहुत अजीम है, अगर आप जैसी बहू में सबको मिले तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा देखिए, इसको पहले तो ऐसा करें कि इसे फौरन रुक जाए, ऐसा नुस्खा मैं बताता हूँ आपको, और फिर ये 7-8 महीने के बाद आपका ठीक होगा, इतना अगर संयम है। वैसे भी कोई रास्ता नहीं है, हमारे पास एक नुस्खा है ऐसा जिससे आप इसे रोक भी सकते हैं और इसे ख़त्म भी कर सकते हैं। तो देखिए, या तो गौंसिया मिल जाए 100-200 ग्राम तो ख़रीद लीजिए, असली होना चाहिए, नकली होगा तो मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। तो ये 100-200 ग्राम ले लीजिए, पीस के इसको पाउडर बना के अलग रख लीजिए, ये रॉ मटेरियल लेना है। और अलसी
थोड़ी ज़्यादा सी 500-600 ग्राम हल्का सा भून के अलग पाउडर में बना के रखिए, एक चम्मच अलसी और एक चुटकी या दो चुटकी, यानी आधा ग्राम ज़्यादा ना हो, ये गौंसिया जो अलग पिसा हुआ है इसे मिला के रोज़ाना दिया करिए, एक बार या दो बार। अलसी दो बार देनी ज़रूरी है। अगर गौंसिया नहीं मिलता है, नकली मिलता है, पहचान नहीं है, तो फिर आप कैप्सूल टी केयर सुबह शाम दीजिए, एक चम्मच, छोटे चाय का चम्मच अलसी के पाउडर के साथ। एक महीने में ये रुक जाएगा, ऐसा हमारा तजुर्बा है, और 7-8 महीने में ये समाप्त भी हो सकता है। जी अशोक हमारे साथ, स्वागत है अशोक जी। चलिए लगता है शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, कोई बात नहीं, फिर से संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाता है तो हेल्पलाइन नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट कॉलर से, स्वागत है आपका। संजय जी स्वागत है आपका। हाँ। कहाँ से बात कर रहे हैं? नागपुर से बात कर रहा हूँ। आपका सवाल? सवाल ये है कि 6 साल हो गए शादी को। ठीक है, आगे। और डॉक्टर के पास हम लोग गए थे, डॉक्टर ने बोला कि जो ट्यूब है गर्भ की वो बंद है करके बोला है। ठीक है, तो आपके पास के दवा से हो सकता है क्या? दो ट्यूब होती है, एक बंद होती तो एक खुली रहती है, और दवाओं से भी इसको फायदा हो सकता है। एक नुस्खा मैं बता देता हूँ, वो आपको मिल जाए तो उसे इस्तेमाल करें। एलोवेरा आप जानते हैं, एलोवेरा का जूस लोग अक्सर पीते हैं, एलोवेरा बहुत तरह से इस्तेमाल होती है। एलोवेरा का सिरका आता है, विनेगर आता है, एलोवेरा का सिरका समझ लीजिए, ये आप 2 या 3 चम्मच लीजिए, एक गिलास में डालिए, उसमें एक चुटकी खाने का सोडा, खाने वाला सोडा डालिए, इसमें से एकदम झाग से उठेंगे, झाग उठने दीजिए, फिर जब ये शांत हो जाए तो इसमें पानी भर के गिलास में रोज़ाना अपनी पत्नी को पिला दिया करिए, मुझे उम्मीद है उनसे फ़ायदा मुमकिन है। जी नेक्स्ट कॉलर मुंबई से अक्षय, स्वागत है अक्षय जी। हेलो। हाँ जी। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो जी। जी अक्षय साहब। हाँ जी, मुझे भूख नहीं लगती है दिन में। कब से ये दिक्कत है आपको? 1 साल हो गया। 1 साल से। आपकी एज क्या है? मेरी एज 25। ठीक है जी। हाँ देखिए, मेथी, सौंठ, आंवला, धनिया 200 ग्राम लीजिए। मेथी, सौंठ, आंवला, धनिया 200 ग्राम लीजिए और इसको पाउडर बना लीजिए, और इसमें नमक आता है कलौंजी का, कलौंजी का रसायन भी कहते हैं इसे, कलौंजी का रसायन या कलौंजी का नमक या एस्टेक कलौंजी, ये देखने में नमक जैसा होता है लेकिन जायके में नमक जैसा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, इसमें मिलाइए और पाउडर बनाइए, और आधा आधा चम्मच सुबह शाम खाने से पहले खाना शुरू करें, और ये ख़त्म होते होते आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। जी भोपाल से अगले कॉलर राम सुंदर, स्वागत है आपका। हाँ, मेरे ये पैर दुखते हैं। पैर दुखते हैं आपके बहुत ज्यादा जी? एज क्या है आपकी? कमर भी बहुत दुख है। एज क्या है आपकी? 70-60 है जी। जी अच्छा देखिए, एक बहुत मशहूर नुस्खा जिससे करोड़ों लोगों ने फ़ायदा उठाया, वो है गौंसिया, एक काला गोंद है जो किस्मत वालों को मिलता है बड़ी मुश्किल से, असली, नकली तो बहुत मिलता है, असली गोंद है। तो ये अगर आपको 100-200 ग्राम मिल जाए असली, तो आधा आधा ग्राम सुबह शाम नाश्ते के पश्चात बगैर चर्बी के दूध से, पानी से या जूस से आप खाना शुरू करें, और इससे आपको फ़ायदा मुमकिन है। अगर ये नकली मिले, नहीं मिले, मुश्किल से मिले, तो आप कैप्सूल टी केयर ले सकते हैं, टी फॉर टाइगर, ये आप कई महीने तक अगर इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा मुमकिन है।
तो दर्शकों देखिए, आप लोगों को जो नुस्खे बताए जाते हैं इसमें जो रॉ मटेरियल का इस्तेमाल आप लोगों को करना है, ख्याल रखिएगा, नकलचियों से सावधान रहिएगा। अगर मार्केट में आप लोगों को गौंद या गौंद मोरिंगा, जैतून का सिरका या फिर जितने भी रॉ मटेरियल बताए जाते हैं असली नकली में पहचान नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल भी आप लोग मत खरीदिएगा। आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर क्वेरी कर सकते हैं या फिर आप लोग हकीम साहब की कंपनी से भी मंगवा सकते हैं। बस आप लोगों को जानना है कि असली नकली रॉ मटेरियल क्या है, तभी आप लोगों को लाभ मिलेगा। बाकी दर्श को लाइव कार्यक्रम है, आप लोग हकीम साहब से लाइव बात कर सकते हैं। सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा प्रयास करना है, इन नंबर्स पे कॉल करना है जो आपके सामने लगातार दिखाए जा रहे हैं।